अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेक्चर नंबर 5 जिसके अंदर हम कीबोर्ड और उसके डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड्स के अंदर फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज़, एडिशनल कीज़ डिस्कस होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगा, व्हाट इज़ कीबोर्ड? शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से खासा इम्पोर्टेंट, और इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं इनके अंदर तो ढेर सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन छुपे हुए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस और डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, यानी इनडायरेक्ट इनपुट मेथड और डायरेक्ट इनपुट मेथड का जिक्र कर रहे थे, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के जिक्र करते हुए हमने कीबोर्ड का जिक्र किया। तो कीबोर्ड बेसिकली इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा आपके सिस्टम के अंदर जो डाटा एंटर करने का वे है, इंटरमीडिएट यूज़ होने वाली इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है, वो कीबोर्ड कहलाती है। आप लोगों ने कीबोर्ड आई थिंक सो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये कीबोर्ड की मल्टीपल लेआउट्स होती हैं, एक चीज़ तो ये जहन में रखें। अब ढेर सारी लेआउट्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लेआउट है उसका नाम क्वर्टी कीबोर्ड है। और क्वर्टी क्यों रखा गया, ये आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। हमारे पास जो ये अल्फ़ाबेट्स की तरतीब होती है वो बेसिकली QWERTY के हिसाब से होती है, इस वजह से इसका नाम क्वर्टी रखा गया। जो इसकी टॉप मोस्ट लेयर है यानी कि आपके अल्फ़ाबेट्स की, उसके अंदर ये QWERTY से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, क्वर्टी कीबोर्ड रखा हुआ है। तो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर कितनी कीज़ होती हैं, ये एमसीक्यूज़ के अंदर पूछेंगे आपसे, 100 होती हैं, यहाँ पे मेंशन भी है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड कंटेन्स ओवर 100 कीज़। इनहांस्ड का जिक्र करें, मे बी यहाँ पे मेंशन करना भूल गए, तो उसके अंदर बेटा 101 कीज़ होती हैं, 101 और उससे ज़ायद भी मौजूद हैं। तो बहरहाल क्योंकि चंद एक एडिशनल कीज़ जो हैं वो ऐड कर दी जाती हैं, तो इस वजह से इनहांस्ड का जिक्र आए तो 101, अगर स्टैंडर्ड का जिक्र आए तो वहाँ पे 100 कीज़ का जिक्र आपने कर देना है। जबकि कीबोर्ड नोमेरिक अल्फ़ाबेट फंक्शन एंड स्पेशल पर्पस कीज़ के ऊपर कंटेन है। अब देखते हैं जी कीबोर्ड के अंदर फर्दर, तो हमारे पास जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले फंक्शन कीज़, फिर मेन कीबोर्ड, नोमेरिक कीज़, एडिशनल कीज़, एक एक को डिस्कस करेंगे। लेकिन पिक्चर के अंदर ज़रा इनकी पहचान कर लें कि हमारे पास जो फंक्शन कीज़ हैं वो लोकेट कहाँ पे करती हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कीबोर्ड के टॉप एरिया के अंदर ये वाली, ये F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज़ के अंदर, ये मज़ीद क्लियर नज़र आएंगी आप लोगों को, ये वाला जो एरिया है ये क्या कहलाता है, फंक्शन कीज़ कहलाता है, इनके नाम है बेसिकली। डिस्कस आगे करते हैं कि होती क्या है। मेन कीबोर्ड के अंदर बात करें तो ये मेन टाइपिंग एरिया जो है, टाइपिंग कीपैड, फंक्शन कीज़ के बिल्कुल एन नीचे ये हमारे पास नोमेरिक की का एक लेयर मौजूद होती है, बैकस्पेस की से लेकर ये वाला जो एरिया है जिसके अंदर तमाम अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं और चंद एक एडिशनल कीज़ यहाँ पे भी मौजूद हैं, ये क्या कहलाता है आप लोगों का, मेन टाइपिंग पैड और मेन कीबोर्ड कहलाता है। ये बेसिकली आप इसको ज़रा जहन में बिठा लेंगे ये एरिया कौन सा क्या कहलाता है। इस मेन कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड पे ये डायरेक्शनल कीज़ खड़ी हैं, ये क्या होती हैं, इस एरिया का बेसिकली नाम एडिशनल कीज़ और डायरेक्शनल कीज़ है। ये कैसे वर्क करती हैं ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इनके बिल्कुल राइट साइड पर आप लोगों के पास स्टेटस लाइट्स से नीचे हमारे पास नोमेरिक कीपैड, जो कि यहाँ पे फंक्शन कीज़ के नीचे भी दिया गया होता है, लेकिन बाज़ ऐसे कीबोर्ड मौजूद हैं स्टैंडर्ड के अंदर ख़ास करके जो सिस्टम के साथ लगे होते हैं, उनके पास ये एडिशनल ऑफिस वर्क करने के लिए ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो कीबोर्ड होते हैं उनके साथ तो ये लाजमी तौर पर मौजूद होता है नोमेरिक कीज़, यानी कि 0 से लेकर 9 तक आप लोगों के पास नोमेरिक वैल्यूज़ मैंशन होती हैं ताकि आपको टाइप करना आसान हो। तो चलिए फंक्शन कीज़ को डिस्कस करते हैं जी। तो सबसे पहले तो पिक्चर के अंदर देखें कि फंक्शन कीज़, जैसा कि पिछली तस्वीर के अंदर हमने देखा कि ये टॉप मोस्ट एरिया के अंदर F1 से F12 बताया था, लास्ट पिक्चर के अंदर आपको मज़ीद क्लियर नज़र आएगा। तो ये देखें जी,
एस्केप की के बिल्कुल साथ से स्टार्ट होता है, बिल्कुल टॉप मोस्ट लेयर। हमारे पास F1 से लेकर F12 तक जो नंबर ऑफ कीज होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, फंक्शन कीज कहलाती हैं। अब इनका क्या कोई एक काम है, क्या इनको आप स्पेशल एक कोई डेफिनेशन दे सकते हैं? तो बेटा याद रखें, नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि फंक्शन कीज जो हैं वो वेरी कर रही होती हैं सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, वो वेरी कर रही होती हैं सिनेरियो टू सिनेरियो। आपके फंक्शन कीज जो हैं वो मोस्टली तौर पे, अब अगर जनरल बात करें तो आप यूज़ कर रहे होते हैं F1 को, तकरीबन 99% आपके जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं उनके अंदर हेल्प का जो ऑप्शन मौजूद होता है वो F1 पे खड़ा होता है। उसके अलावा आप अपने सिस्टम को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं F5 से कर रहे होते हैं। आप मोस्टली सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखा गया कि वहाँ पे ख़ास करके डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, एक्सेल की बात कर लें, जैसे स्प्रेडशीट का नाम देंगे, तो वहाँ पे अगर स्पेल एंड ग्रामर की गलती हो जाए, ग्रामेटिकली कोई इश्यूज आ रहे हों, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए, ग्रामेटिकल ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए आप जो शॉर्टकट कमांड यूज़ करते हैं वो F7 यूज़ कर रहे होते हैं। जब आप अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक लास्ट लेक्चर के अंदर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, जब वो इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बूटिंग की ज़रूरत होती है, यानी आपका सिस्टम बूट हो रहा होता है। तो ये बूट क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 7 के अंदर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम डिस्कस करेंगे। बहरहाल वहाँ पे एक आपकी फंक्शन की बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंपनीज़ के जो लैपटॉप्स हैं या सिस्टम्स हैं उनके लिए डिफरेंट बूट की यूज़ होती है। लाइक आपके पास जो डेल का सिस्टम होगा वो F7 से या F12 से रीबूट होगा, आपका जो HP कंपनी के कंप्यूटर्स हैं वो F9 से हो रहे होते हैं, लिनोवो के, आपके जो तोशीबा के हैं वो आप लोगों के F12 से हो रहे होते हैं, बाज़ुकात एस्केप की से भी हो रहे होते हैं। लेकिन याद रखें यहाँ पे, अब ये देखें कि आप लोगों की ये जो फंक्शन कीज़ हैं ये क्या कर रही हैं, प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी कर रहे हैं। तो मकसद क्या हुआ, अगर आपने डिफाइन करना है फंक्शन कीज़ को तो आप ये ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि फंक्शन कीज़ F1 टू F12 आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस, देयर फंक्शंस डिपेंड ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज इन द कंप्यूटर। यानी कि सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी लेयर का नाम फंक्शन कीज़ है, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं कि ये आप लोगों के फंक्शंस जो हैं ये वेरी कर रहे होते हैं फंक्शन कीज़ के, प्रोग्राम टू प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट मूव करते हैं, मेन कीबोर्ड की तरफ आ जाएं। अब ये देखें जी, 101 की इन्हांस कीबोर्ड का मैं जिक्र कर रहा था, तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मेन कीबोर्ड है आप लोगों का। मेन कीबोर्ड के अंदर ये देखें जी, ये सारी कीज़ आप लोगों की जो फंक्शन कीज़ के हैं नीचे आ रही हैं, ये क्या कहलाती हैं आप लोगों की, मेन कीपैड कहलाती हैं और मेन कीबोर्ड कहलाती हैं, जिसके अंदर आप लोग अपने अल्फ़ाबेट्स को टाइप कर रहे होते हैं। बाज़ुकात आप लोगों के न्यूमेरिक कीपैड भी यहाँ पे साथ मेंशन है, आप लोग डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाने के लिए। ये मेन कीबोर्ड के अंदर ढेर सारी कीज़ मौजूद हैं। आइए मेन कीबोर्ड की चंद एक कीज़ को डिस्कस कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हम कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं मेन कीबोर्ड के अंदर। बेटा अगर बात करें सबसे पहले तो एस्केप की, अब ये देखें आपके कीबोर्ड के अंदर ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे खड़ी है की, एस्केप की ये वाली, इसको अलहदा से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एस्केप की कुछ इस तरह से बटन आपको नज़र आएगा। अब ये क्यों यूज़ होता है या इसका क्या पर्पज़ है, मेन कीबोर्ड के अंदर एस्केप की का क्या मकसद है? तो एस्केप की बेसिकली किसी भी किस्म के प्रोग्राम या करंट टास्क के अंदर से बाहर निकलने के लिए या उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ होती है। बाज़ ऐसे सॉफ्टवेयर या बाज़ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको आप ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप लोग उनको पता नहीं चल रहा होता, वो फुल स्क्रीन हो जाते हैं और आप बाहर कैसे निकल सकते हैं, उसको बंद कैसे कर सकते हैं, सादा लफ्ज़ों में उसे क्लोज कैसे कर सकते हैं, तो आप क्या करते हैं सबसे पहले एस्केप की प्रेस करते हैं, तो वो फ़ौरन से वो टर्मिनेट हो जाता है या आपको टर्मिनेशन का ऑप्शन शो करवा देता है कि भाई आप इस सॉफ्टवेयर से ऐसे बाहर निकल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एस्केप की का जो एक छोटा सा फंक्शन है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब ये याद रखें कि ये जितनी कीज़ हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी MCQs के अंदर आएंगी, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी डिफरेंस पूछ सकता है या MCQs के अंदर डिफाइन करके आपसे उसका नाम पूछ सकता है। कैप्स लॉक की बात करें तो जब आप कंपोजिंग कर रहे होते हैं, बाज़ुकात आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, आप कोई किताब लिख रहे हैं, आप कोई भी चीज़ जब कंपोज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे के सारे लेटर जो हैं वो कैपिटल लिखूं, स्मॉल नहीं लिखने, कैपिटल और लोअर केस और अपर केस का तो पता है ना, इंग्लिश के स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ रहे हैं 10 सालों से पिछले,
अब ये जो आपने कैपिटल लेटर अगर लिखने हैं यानी अपर केस के अंदर सारी इंग्लिश लिखनी है, तो देन आप बार बार शिफ्ट की का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, आप एक ही दफ़ा कैप्स लॉक की को ऑन कर देंगे, तो उसके बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आप लोगों का अपर केस के अंदर लिखा जाएगा। और जब ये डिसेबल होगा, और ये भी याद रखें कि एक टुगल बटन है, टुगल बटन बेसिकली एक ऐसा बटन होता है जो वहीं से अनेबल होता है और वहीं से डिसेबल होता है। जब इसे आप अनेबल कर देंगे, लाइक आपने कैप्स लॉक की को एक दफ़ा प्रेस कर दिया, तो उसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे वो आप लोगों का अपर केस के अंदर लिखा जाएगा, और अगर दोबारा से प्रेस कर देंगे तो फिर जो लिखेंगे वो आप लोगों का लोअर केस के अंदर आ जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट मूव करें जी टैब की तरफ। अब ये आप लोगों का इस तरह के एरोज के निशान होंगे। टैब, टैब बेसिकली यूज होती है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, एक टैब स्टॉप से दूसरे टैब स्टॉप की तरफ मूव करने के लिए। जैसे कि अगर आप किसी टेबल के अंदर वर्क कर रहे हैं, यानी स्प्रेडशीट की बात कर लें या वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, अच्छा इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रेडशीट की बात सर आप कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं, बेटा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे यानी डॉक्यूमेंट के ऊपर हम ये सारी चीज़ें अपने हाथों से बनाएंगे भी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा, और आप लोगों को ये ऐसे समझ लें कि हलवा लगेगी हर चीज़। स्प्रेडशीट चैप्टर नंबर 9 पूरा खड़ा है, उसके अंदर ये सारी टाइप चीज़ें हर चीज़ बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इनको डेफिनेशन की हद तक या थोड़ा बहुत किसी को बताने के लिए जहन में ज़रूर रखिएगा। अब ये टैब की क्या है, एक टेबल के अंदर आप वर्क कर रहे हैं और आप एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, अब ये सेल क्या होता है फिर वही बात, एक सेल फिलहाल इतना याद रखें कि एक सेल से दूसरे सेल के अंदर स्विच करने के लिए जाने के लिए आप लोग बजाय इसके कि पॉइंटर को कर्सर यानी ये जो आपको स्क्रीन पर मूव करता हुआ नज़र आ रहा है ना, इसको कंट्रोल करते हुए आगे पॉइंटिंग डिवाइसेस का टॉपिक आएगा, ये कैसे होता है वो भी डिटेल में पढ़ेंगे, यानी अपने माउस को कंट्रोल करते हुए आप फॉर एग्जांपल किसी जगह पे क्लिक करते हैं और उसके बाद अगले सेल के अंदर जाके क्लिक करते हैं फिर टाइपिंग करते हैं, बजाय इसके आप टैब की का सहारा लें, एक टैब प्रेस करेंगे एक सेल आगे स्विच हो जाएगा, फिर टैब प्रेस करेंगे अगले सेल में, फिर टैब प्रेस करेंगे अगले सेल में। तो उम्मीद करता हूँ टैब की से रिलेटेड आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं मेन कीबोर्ड, वी कंटिन्यू। इसके अंदर एक की यूज़ हो रही होती है शिफ्ट की। अब ये जो शिफ्ट की है, शिफ्ट की, अल्ट की, कंट्रोल की, इटसेल्फ बेटा इनका कोई काम नहीं है, इनका अपना कोई जाती काम नहीं है, जाती फंक्शनैलिटी नहीं है। जब ये किसी चीज़ के साथ कम्बिनेशन बनाती हैं यानी किसी दूसरी कीज़ के साथ कंबाइन हो जाती हैं, देन इनकी फंक्शनैलिटी चेंज हो रही होती है। यानी कि अगर आप वही बात अगर कैप्स लॉक वाली कर रहा हूँ, आप पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं और दरमियान में किसी एक कंट्री का नाम लिखें, आप किसी मशहूर किताब का नाम लिखें, लाइक आप कुरान पाक का नाम लिखते हैं या कोई भी ऐसी किताब जो आपके नज़दीक ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वैसे आप रीड कर रहे हैं या लिख रहे हैं उसका नाम, तो आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ों के जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो फर्स्ट लेटर लिखने के लिए आप एक दफ़ा कैप्स लॉक की प्रेस करेंगे, फिर लिखने के बाद फिर दोबारा उसको डिसेबल करेंगे, नहीं आप सिंपल क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ उसका कम्बिनेशन बना देंगे, यानी शिफ्ट की दबाए रखेंगे और साथ में वो लेटर, जैसा कि पाकिस्तान है तो शिफ्ट प्लस पी लिखेंगे, तो वो जो पाकिस्तान का पी है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। कुछ समझ आ रही? ऐसे यहाँ पे दो तीन कम्बिनेशन हैं, ये ज़रा देख लें। अगर आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन को आगे हम डिस्कस करते हैं, तो देन क्या होगा, आप लोगों का जो अपर केस लेटर है वो आप लोगों का, सॉरी कंट्रोल को जब आप शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये होगा क्या, आप लोगों की कीबोर्ड की लेआउट जो है वो स्विच हो जाएगी। अगर आपने लेआउट्स डिफरेंट किस्म की इंस्टॉल कर रखी हैं, डिफरेंट किस्म की आपके सिस्टम के अंदर कीबोर्ड लेआउट्स खड़ी हैं, यानी आपने स्क्रीन पे चले जाना है, आपने एक्सटर्नल पे आ जाना है, आपने इंटरनल पे आ जाना है, तो यानी स्विच करना है डिफरेंट कीबोर्ड लेआउट्स के अंदर, तो देन आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट करेंगे। अगर आपने टास्क मैनेजर ओपन करना है, यानी टास्क मैनेजर ओपन करना है, ये टास्क मैनेजर क्या होता है, इसका एक पूरा एक शॉर्ट क्वेश्चन, पूरा एक डिटेल टॉपिक खड़ा है आप लोगों के चैप्टर नंबर 7 के अंदर, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इतना याद रखें कि शिफ्ट की कम्बिनेशन के साथ काम करती है, इटसेल्फ इसका कोई काम नहीं है। तो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, टास्क मैनेजर क्या होता है ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट की है हमारे पास जी कंट्रोल की। कंट्रोल की लाइक शिफ्ट की, आप लोगों का कंट्रोल की का अपना कोई काम नहीं है, कंट्रोल की प्रेस की जाती है कम्बिनेशन के साथ विद अदर कीज़ टू एग्जीक्यूट कमांड। लाइक आपने सारे डॉक्यूमेंट्स सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए कर रहे होते हैं, बाज़ का डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप कॉपी पेस्ट की कमांड यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल सी। सबसे ज़्यादा
कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट कमांड्स यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना रहे होते हैं, साथ में कंट्रोल की आप लोगों को लाजमी नज़र आएगी। यानी कि अगर आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करना है, आपने पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी खड़ा है, अनडू के लिए, रीडू के लिए कमांड्स खड़ी हैं, वहाँ पर कट करने के लिए कमांड खड़ी हैं, बोल्ड के लिए खड़ी हैं, इटैलिक के लिए खड़ी हैं, एंड सो ऑन, ढेर सारी कमांड्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करें जी, कंट्रोल की के बाद अल्ट की। अल्ट की अगेन शिफ्ट और कंट्रोल की तरह ही काम कर रही है, जिसके अंदर इसका अपना कोई काम नहीं है। दोबारा वही बात रिपीट हो रही है, ये भी कंबाइन होकर के ही वर्क करती है। लाइक आपने अल्ट टैब, अगर मैं अभी आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ अल्ट टैब, अब ये देखें आप लोगों के सामने ये डिफरेंट टैब्स खुली हुई नज़र आ रही हैं। तो मैं वापस आ रहा हूँ अपनी, हमारी पहली टैब ये नज़र आ रही, तो ये मैंने क्या प्रेस किया था अभी, अल्ट टैब। तो जैसे आप अल्ट टैब करेंगे तो जितनी भी एक्टिव विंडोज़ हैं वो सारी की सारी आपको दिखा देगा, आपने जिस पे भी स्विच करना होगा वहाँ पे जा करके छोड़ेंगे तो फिर आप लोग वहाँ पे चले जाएंगे। लाइक आपने कोई एक्टिव विंडो क्लोज़ करनी हो या सारी विंडोज़ क्लोज़ करनी हो तो बार बार अल्ट प्लस फंक्शन कीज़ के अंदर F4 खड़ा था, F4 को प्रेस करेंगे तो आपका करंट प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा। और अगर फिर करते जाएंगे तो सारे जब क्लोज़ हो जाएंगे तो फाइनली वो आपसे पूछेगा कि आपने सिस्टम शट डाउन करना है कि नहीं करना, तो वहाँ पे आप लोगों का अपना डिसीजन होगा। आप लोग अगर ओके करते हैं तो आपका सिस्टम क्या हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। समझ आ रही कि आप लोगों का अल्ट की, कंट्रोल की या शिफ्ट की इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, जबकि ये कम्बिनेशन है दूसरी कीज़ के साथ मिल करके ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट मूव करें जी, बैकस्पेस की। बैकस्पेस की इस तरह से आप लोगों को ये जो सामने तस्वीर के अंदर नज़र आ रही एक की नज़र आएगी, मेन कीबोर्ड के टाइप टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक बैकस्पेस की। अब ये बैकस्पेस कीज़ के ढेर सारे फंक्शन हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले फंक्शन हैं वो दो। क्या, सबसे पहले तो अगर आप कोई ऐसे समझ लें विंडो डायरेक्टरी ओपन करके बैठे हैं, यानी फाइल्स और फोल्डर्स के अंदर जा रहे हैं, फर्दर फाइल्स को तलाश कर रहे हैं, तो वहाँ पे जा कर के जब आपने 5, 7, 10 या 2 से ज़्यादा स्टेप्स आगे फॉलो कर लिए तो आप बैकस्पेस की मदद से एक एक स्टेप करके वापस आ सकते हैं। नंबर दो, आप जब कोई डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर कंपोजिंग कर रहे होंगे, वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक लाइन मैंने लिखी, जैसे कि ये लाइन लिखी हुई है द बैकस्पेस की और द बैकस्पेस इज द कीबोर्ड की, अब यहाँ तक इतना ही पढ़ें तो ये की का स्पेल फॉर एग्जांपल मिस्टेक से ये गलत हो गया, की बजाय की ई वाई की बजाय आपने कोई और लफ्ज़ लिख दिया, तो आप क्या करना चाहते हैं, इसको हटा करके सही करना चाहते हैं, तो आप बैकस्पेस की जैसे प्रेस करेंगे तो इंसर्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड पे करेक्टर बाय करेक्टर, यानी कि अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट आप लोगों का एक एक करेक्टर करके इरेज करता चला जाएगा। याद रहेगा कि इंसर्शन पॉइंट से करेक्टर बाय करेक्टर लेफ्ट साइड पे, यानी करंट पोजीशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़ा है ना, ये आप लोगों का कर्सर है, सही, यहाँ पे अगर कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो यहाँ से अगर करेक्टर बाय करेक्टर की बात करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे इस तरफ से एक एक करेक्टर करके रिमूव करने के लिए यूज़ होने वाली की बैकस्पेस की कहलाती है। नेक्स्ट मूव करें जी, एंटर की। एंटर की यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन एंड नॉर्मली यूज एट द एंड ऑफ पैराग्राफ। यानी कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिख लिया और आप नया पैराग्राफ शुरू करना चाहते हैं, लाइक आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, आप कोई मजमून लिख रहे हैं, आप कोई लेटर लिख रहे हैं, तो उसके अंदर आपने 2, 3, 4 पैराग्राफ बनाने हैं, तो एक पैराग्राफ लिखने के बाद वो पैराग्राफ की जो एंडिंग लाइन है वो सेंटर में कंप्लीट होगी, तो आप क्या करेंगे, अगली लाइन पर जाने के लिए, नया पैराग्राफ बनाने के लिए एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आप लोगों का नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो कर्सर है बेसिकली ये जो इंसर्शन पॉइंट है ये आप लोगों का मूव कर जाएगा अगली लाइन पर। तो समझ आ गई कि एंटर की कहाँ पे यूज़ हो रही होती है। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं, मेन कीबोर्ड के बाद आप लोगों के पास नुमेरिक कीज़ का जिक्र करेंगे। नुमेरिक, अपने पूरे कीबोर्ड को ज़रा देखें, अगर आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बिल्कुल राइट साइड पे आप लोगों को इस तरह का एक पैड नज़र आएगा। ये अक्सर आपने कैलकुलेटर के अंदर भी देखा होगा, ये वो नॉर्मल यूज़ होने वाला, अपने सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो कीबोर्ड की राइट साइड पे एक पैनल नज़र आएगा, नम लग से स्टार्ट करके ये एंड एंटर की तक। अब यहाँ पे नुमेरिक कीज़ बेसिकली क्या है बेटा जी, 0 से लेकर 9 तक की कम्बिनेशंस, यानी ये जो कीज़ हैं, यानी ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 to 9, इन कम्बिनेशन ऑफ कीज़ को आप कह रहे होते हैं नुमेरिक कीज़। और साथ में ये कुछ चंद एक एडिशनल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है, यानी कि आपने डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है,
सब्ट्रैक्शन करनी है, एडिशन करनी है, या आपने फिर फाइनल रिजल्ट देखने के लिए आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं एंटर। और ये तब काम करेंगी जब आप लोगों का ये नम लॉक एनेबल होगा। अगेन याद रखें, कैप्स लॉक की तरह नम लॉक भी आप लोगों का एक टॉगल बटन है। टॉगल बटन मीन यानी कि अगर आपने नम लॉक को प्रेस किया, यानी इस बटन को अगर आप प्रेस करेंगे, तो आप लोगों का जो कीपैड है ये वाला न्यूमेरिक कीज़ ये वर्क करेंगी, अदरवाइज आप लोगों की न्यूमेरिक कीज़ वर्क नहीं करेंगी। ओके, तो चलिए जी नेक्स्ट मूव करें। न्यूमेरिक कीज़ के बाद एक एक की के ऊपर, अच्छा ये गौर से देखें तो ये जो न्यूमेरिक कीज़ है ना, ये वन के नीचे एंड लिखा हुआ है, टू के नीचे एरो का निशान, ये फिर पेज डाउन, फिर एरो का निशान, फिर एरो का निशान, होम अप पेज अप, ये जो चीज़ें हैं ये कैसे परफॉर्म कर रही होती हैं अगर आपने इन न्यूमेरिक कीज़ की मदद से, ये होम पेज अप पेज डाउन एंड, हालांकि ये हैं एडिशनल कीज़ की फंक्शनलिटीज़, लेकिन जो अगर आप इधर से परफॉर्म करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये आपको इस टेबल के अंदर नज़र आएगा। यानी अगर आप वन प्रेस कर रहे हैं तो इससे आप लोगों का जो कर्सर है वो मूव करेगा राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, सो ऑन, ये टेबल आप लोग खुद रीड करेंगे, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो हम लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मूव करें जी एडिशनल कीज़ की तरफ। एडिशनल कीज़ का जहाँ पे जिक्र होता है, तो जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल, पॉज, पेज अप डाउन, वही बात आ रही है, एंड, होम, इंसर्ट, डिलीट, यानी ये अगर आप फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और ये एरो कीज़ खड़ी हैं नीचे, यानी अगर आपने अप मूव करना है, डाउन, लेफ्ट राइट मूव करना है, तो ये आपको कीबोर्ड के अंदर ये वाला जो पैड नज़र आएगा, ये वाला पैनल क्या कहलाता है, एडिशनल कीज़ कहलाता है। एरो कीज़ यूज़ हो रही होती हैं कर्सर की पोजीशन को मूव करने के लिए, यानी अप डाउन लेफ्ट राइट, इंसर्ट डिलीट होम एंड, पेज अप डाउन यूज़ हो रही होती हैं। आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट विंडो खोल रखी है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऊपर नीचे आपने पहले पेज पे जाना है, आखिरी पेज पे जाना है, दूसरे पे जाना है, तीसरे पे जाना है, पेज एक ऊपर जाना है, एक नीचे जाना है, तो ये फंक्शनलिटी आप इन कीज़ की मदद से भी परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर आपने स्क्रीन को प्रिंट करना है, यानी स्नैपशॉट लेना है, तस्वीर लेनी है अपनी इस पूरी स्क्रीन की, तो आप प्रिंट स्क्रीन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये खड़ी आपकी प्रिंट स्क्रीन, तो एक स्नैपशॉट आप लोगों का लिया जाएगा। स्क्रॉल डाउन खड़ा है जी, स्क्रॉल डाउन यानी आपके पास ढेर सारे पेजेस हैं और आप पहले पेज से दूसरे पेज पे पेज अप डाउन करके नहीं जाना चाहते, साथ में एक स्क्रॉल बार खड़ी होती है इस साइड पे, राइट साइड पे भी होती है और बॉटम पे भी होती है, जो कि लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे मूव करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग स्क्रॉल लॉक यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप लोग स्क्रॉल लॉक यूज़ करते हैं कर्सर को स्क्रीन के ऊपर इन प्रोग्राम्स के अंदर, वो क्या, जैसा कि अगर मैं यहाँ पे कर्सर को लॉक करना चाहता हूँ, यानी कि इसे कोई इसकी मूवमेंट से मेरे प्रोग्राम को, मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई किसी किस्म का काम नहीं होना चाहिए, यानी ये मुझे डिस्टर्ब ना करे, तो मैं इसकी जो मूवमेंट है उसको लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक यूज़ करूँगा। फाइनली पॉज और ब्रेक की बात करें तो ये यूज़ हो रही होती है स्क्रीन को, जहाँ पे बहुत तेज़ी से इंफॉर्मेशन फर्स्टली मूव कर रही हो, वहाँ पे अगर आपने रीडिंग नहीं हो पा रही आपसे, आप स्क्रीन को रोकना चाहते हैं, वीडियो को पॉज करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, ताकि रोक के देख लें कि क्या लिखा है, क्या बोला जा रहा है, सुना जा रहा है, वो सारी चीज़ें जो तेज़ी से मूव कर रही हैं और आप उन्हें रीड नहीं कर पा रहे, उनको रोक करके देखने के लिए आप लोग पॉज और ब्रेक की यूज़ करते हैं। यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। कीबोर्ड फंक्शन कीज़, न्यूमेरिक कीज़, एडिशनल कीज़, मेन कीबोर्ड से रिलेटेड बेटा किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।